गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। तो आज की वीडियो में मैं बात करने वाली हूँ कि जिनकी ऑयली स्किन है वो अपने लिए हाइलाइटर कैसा चूज करें या उनको कैसे अपने ऊपर हाइलाइटर अप्लाई करना है अपने फेस पे। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि कैसे हमें अपना हाइलाइटर चूज करना है। देखिए, मेकअप प्रोडक्ट लेते टाइम हमें सिर्फ अपने किसी ओकेजन या फिर स्किन टोन का ही ख्याल नहीं रखना है, बल्कि हमको अपने स्किन टाइप का भी ख्याल रखना बहुत जरूरी है। क्योंकि अक्सर ऐसा होता है कि हमें किसी ओकेजन में जाना है, उसके अकॉर्डिंग हम सामान खरीद लाते हैं, या हमारा स्किन का टोन कैसा है उसके अकॉर्डिंग हम सामान खरीद लाते हैं। बट आपके स्किन का टाइप क्या है, जैसे ड्राई स्किन के लिए अलग प्रोडक्ट आते हैं, ऑयली स्किन के लिए अलग प्रोडक्ट आते हैं। हम सुंदर दिखने की चाह में ना प्रोडक्ट बिना देखे उठा के ले आते हैं। कभी कभी ऐसा होता है कि वो चीजें हमारे फेस पे सूट नहीं करती हैं। जैसे अगर हमारी ऑयली स्किन है और हम कोई भी प्रोडक्ट ले आए वो ड्राई स्किन वालों का है और उसे हम अप्लाई करें तो वो हमारे चेहरे पे सूट नहीं करेगा। अच्छे दिखने की जगह और ही समस्याएं जो हमारे फेस पे होंगी वो बढ़ जाएंगी, जैसे पिंपल्स आ जाएंगे या फिर कोई भी दिक्कतें आ सकती हैं। इसलिए इस बात का बहुत ध्यान देना है कि अगर आप प्रोडक्ट लेने जा रहे, कोई भी मेकअप का प्रोडक्ट लेने जा रहे मार्केट, तो उसको देखिए कि वो आपके स्किन के अकॉर्डिंग है या नहीं है, आपके स्किन टाइप के अकॉर्डिंग है या नहीं है। तो हाइलाइटर में भी, क्योंकि जिनकी ऑयली स्किन है, वैसे तो जिनकी ऑयली स्किन होती है उनको हाइलाइटर अवॉइड करने को ही कहा जाता है, क्योंकि ऑयली स्किन जिनके वो ऐसे ही शाइन होती है, उनकी उनका फेस ऐसे ही बहुत शाइन होता है। ऊपर से अगर हाइलाइटर आप लगा लो तो फिर अच्छा नहीं लगेगा, चेहरा थोड़ा सा खराब दिखने लगता है। तो इसलिए ऑयली स्किन वालों को हाइलाइटर थोड़ा अवॉइड करने को कहा जाता है। बट कुछ तरीके हैं जिनको आप अपना के उस तरीके से अगर आप हाइलाइटर लगाते हो तो वो आपके चेहरे पे अच्छा लगेगा और कोई नुकसान भी नहीं करेगा। तो चलिए बात करते हैं कि कैसे हमें ऑयली स्किन वालों को कैसे हाइलाइटर अप्लाई करना चाहिए। तो सबसे पहले हाइलाइटर आप जितना कम हो सके उतना अपने फेस पर लगाइए, बहुत ज्यादा हाइलाइटर मत लगाइए। क्योंकि अगर आप आपकी स्किन ऑयली है वो आप हाइलाइटर लगाते हो, कुछ देर बाद ऑयल आएगा आपके चेहरे पे तो वो डबल हाइलाइट होगा आपका चेहरा। इससे अच्छा है जितना कम हो सके उतना अच्छा है कि आप हाइलाइटर उतना कम लगाइए, और इससे ज्यादा शाइन नहीं करेगा। और ऑयली स्किन है तो ऑयल आएगा ही और शाइन ज्यादा होने लगेगा तो कोई मतलब नहीं है, इसलिए जितना कम हो सके उतना हाइलाइटर लगाइए। अब हमें दूसरा क्या देखना है, दूसरा देखना है हमें ये, दूसरी बात हमें ये ध्यान रखनी है कि हाइलाइटर का शेड हम कैसे चूज करते हैं। अगर आपकी ऑयली स्किन है तो आप सिल्वर शेड बिल्कुल अवॉइड करिएगा, क्योंकि ऑयली स्किन वालों को सिल्वर शेड अगर लगाओगे तो वो ज्यादा उभर के आएगा तो वो अच्छा नहीं लगेगा। अगर आपकी ऑयली स्किन है तो आप गोल्ड शेड या रोज गोल्ड या गोल्डन शेड का हाइलाइटर लीजिए, वो आपके स्किन पे बहुत अच्छा लगेगा। अगर आपकी स्किन ऑयली है प्लस आपका कलर भी बहुत ज्यादा फेयर है तो आप पिंक शेड का हाइलाइटर लगा सकते हो, वो बहुत अच्छा लगेगा। बट सिल्वर कलर का हाइलाइटर आप बिल्कुल अवॉइड करिए, उसको मत यूज करिए। गोल्डन कलर का हाइलाइटर लगा सकते हो या रोज गोल्ड या फिर पिंक शेड का हाइलाइटर आप लगा सकते हो, वो बहुत अच्छा लगेगा आपके फेस पे। फिर हमें क्या बात ध्यान रखनी है, तीसरी बात हमें क्या ध्यान रखनी है कि हमें एक सही हाइलाइटर अपने लिए चूज करना है। ऑयली स्किन वाले पाउडर बेस हाइलाइटर ही यूज करें, लिक्विड बेस या क्रीम बेस हाइलाइटर बिल्कुल अवॉइड करिएगा, क्योंकि पाउडर बेस जो होता है हमारे फेस पे ज्यादा देर तक टिका रहता है। इसलिए आप पाउडर बेस जो भी हाइलाइटर है उसको इस्तेमाल करिए, प्लस ग्लिटर वाला हाइलाइटर बिल्कुल अवॉइड करिएगा, वो बिल्कुल अच्छा नहीं लगेगा आपके चेहरे पे। अगर आपकी ऑयली स्किन है तो ग्लिटर बेस हाइलाइटर बिल्कुल अवॉइड करिए, शाइन करेगा, बहुत ज्यादा शाइन होने लगेगा, क्योंकि ऑयली स्किन है प्लस आप शाइन वाला हाइलाइटर लगा ले रहे हो तो बहुत ज्यादा शाइन करने लगेगा। बस आपको क्या चुनना है, पाउडर बेस जो भी हाइलाइटर है उसको चुनिए और जितना कम हो सके उतना कम हाइलाइटर लगाइए, मतलब बहुत ही लाइट हाइलाइटर लगाइए।
उससे आपका नेचुरल जो ग्लो है वो नेचुरल ग्लो आएगा। बहुत ज्यादा हाइलाइटर लगा लोगे तो वो उभर के आएगा, वो पता चलेगा। इसलिए जितना कम हो सके उतना कम हाइलाइटर लगाइए तो आपका नेचुरल ग्लो आपके सामने नजर आएगा। फिर और आपको अपने टूल्स पे भी बहुत ज्यादा ध्यान देना चाहिए कि अगर आप हाइलाइटर लगा रही हैं तो टूल्स कैसा लें, क्योंकि टूल्स से भी हमारा हाइलाइटर बिगड़ सकता है। तो अगर आप हाइलाइटर टूल्स से लगा रही हैं तो आपको फ्लफी ब्रश यूज करना चाहिए और हाइलाइटर बिल्कुल लाइट तरीके से स्वीपिंग करके लगाना है। बहुत ही हार्ड तरीके से मत लगाइएगा, बहुत ही लाइट तरीके से लगाइएगा, बहुत अच्छे से लगेगा। तो टूल्स जो भी आप सेलेक्ट कर रही हैं, जो भी ब्रश सेलेक्ट कर रही हैं, वो बिल्कुल फ्लफी होना चाहिए। फ्लफी ब्रश आप सेलेक्ट करिए, उससे आप अपना हाइलाइटर लगाइए। तो ये थी कुछ बातें जो कि ऑयली स्किन वाली जो भी गर्ल्स हैं या लेडीज हैं वो हाइलाइटर कैसे लगा सकती हैं। वैसे तो अवॉइड करने को कहा जाता है, बट आप मेरे बताए हुए तरीकों से अगर लगाती हैं, इन तरीकों से अगर आप हाइलाइटर लगाती हैं तो आप बहुत ही खूबसूरत दिखेंगी। आपका हाइलाइटर बहुत ज्यादा हाईलाइट भी नहीं होगा, उभर के भी नहीं आएगा और नेचुरल लुक देगा आपको। तो ये कुछ चीजें थी जिनसे आप अपना हाइलाइटर बिल्कुल नेचुरल तरीके से लगा सकती हैं। तो आपको आज की वीडियो कैसी लगी मुझे जरूर बताइएगा। अगर अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करिएगा, शेयर करिएगा। शेयर इसलिए करिए ताकि और लोग भी इसे देख पाए, उन्हें भी हेल्प मिल पाए इस वीडियो को देख के। और जो लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं प्लीज जाके सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।